चलिए बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर डीजल संचालित ऑटो और विक्रम जो कि 10 वर्ष पुराने हैं उन्हें बाहर किया जाएगा और इसके लिए परिवहन विभाग ने बीते दिनों आदेश भी जारी किया है। इसके विरोध में तमाम ऑटो विक्रम यूनियन लामबंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि परिवहन विभाग ने मनमानी तरीके से ये आदेश जारी किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन टंडरियाल ने कहा कि आरटीओ मनमानी ढंग से आदेश को लागू करने की कवायद कर रही है। उन्होंने कहा कि आरटीओ ने 23 दिसंबर तक सिटी बस को यूरो 6 में कन्वर्ट करने के लिए कहा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि आपने देखा होगा जो 1/11/2022 का जो आदेश था आरटीए का, उसको हमने तालिबानी आदेश इसलिए कहा था कि ये विक्रम ऑटो के लिए तो कहा ही था इन्होंने कि 10 साल बाद जो है ये जो है मार्च 2023 को ये सारे जो है विक्रमों को समाप्त करके और जो है नए जो है यूरो 4 लाया जाए और या जो है सीएनजी विक्रमों को लाया जाए। द्वारा ये कहा गया था, जो चुपचाप से इनके द्वारा जोड़ दिया गया था एक अन्य, कि अन्य सभी वाहन दिसंबर 2023 में समाप्त हो जाएगी, जिसपे हमने जो है कड़ा प्रतिरोध किया था। तो उसको उसी शाम को आरटीओ महोदय द्वारा जो है उस तालिबानी आदेश को वापस ले लिया गया।